ऊट पटांग बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों से घिर गए हैं। यूपी के बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने मुस्लिम समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और कहा है कि मुस्लिमों में एक एक आदमी की 50-50 बीवियां होती हैं और 1050 बच्चे होते हैं। उन्होंने इसे जानवर प्रवृत्ति करार दिया है। ये पहली बार नहीं है। विधायक सुरेंद्र सिंह ने हाल ही में दावा किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर 2024 में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना लंकिनी से की थी और कहा था कि हनुमान रूपी योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की आधी लंका दहन कर दी है और विधानसभा चुनाव में लंका का पूर्ण दहन हो जाएगा। साथ ही सुरेंद्र सिंह ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की और करते हुए कहा कि मोदी रूपी राम तृणमूल कांग्रेस से ही किसी विभीषण का चुनाव कर उसे पश्चिम बंगाल की सत्ता सौंप देंगे। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह हमेशा से ही ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल के भाग्य में प्रधानमंत्री बनना लिखा ही नहीं है। ऐसे अनेकों बार हुआ है कि सुरेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया है और अभद्र टिप्पणी की है, फिर चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर कोई और। न्यूज़ डेस्क।